So finally, we can start the part two, that is how to research and find these influencers. First part, of course, यही होता है कि आपने client से approval मिल गया, client ने आपको hire कर लिया, client कहता है ठीक है, let's get started. First thing you'll do is you'll start finding relevant influencers for your client, जो कि आपके client के according really relevant होंगे. आप उनको research करोगे. तो research कैसे करना है मैं आपको इस वाले part में बताऊँगा. So first thing you do before you start researching influencers is that कि आप क्राइटेरिया जो है क्लाइंट को बताते हो कि इन क्राइटेरिया के बेस पे आई विल फाइंड इन्फ्लुएंसर्स फॉर यू. ओनली आफ्टर द क्लाइंट अप्रूव्स द क्राइटेरिया, या तो क्राइटेरिया क्लाइंट आपको देगा, लेकिन द राइट प्रोसेस इज बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, आप उनको क्राइटेरिया बताओगे उनके बिजनेस को समझ के कि अच्छा आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप यहाँ पे हो, आपका टारगेट मार्केट ये है, जैसा कि उन्होंने मार्केटिंग सर्वे में बताया आपको, और आपका बजट ये है, आपका प्रोडक्ट का स्टाइलिंग ये है. तो बेस्ड ऑन व्हाट दे टेल यू, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ये क्राइटेरिया आप उनको भेजोगे और उसका अप्रूवल लोगे. फॉर एग्जांपल, उनकी एज क्या होगी, जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप काम करोगे इनकी एज क्या, वो मिलेनियल्स हैं क्या, वो अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, फिर ब्रॉड एज रेंज है, जो भी एज रेंज होगी कि 25 टू 34 ईयर्स के इन्फ्लुएंसर्स आप उनके साथ काम करोगे, आप वो प्रूफ करवाओगे. जेंडर क्या है, मेल हैं, फीमेल हैं, या मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. लोकेशन क्या होगी उनकी, कहाँ कौन सी कंट्री में रहते हैं, क्या कोई सिटीज़ हैं जिनको स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या वो अफोर्डेबल कपड़े पहनते हैं, चीप कपड़े पहनते हैं, या फिर वो लग्जरी साइड हैं, अगर वो आप क्या वो एक्सपेंसिव जगहों पे खाना खाते हैं, क्या वो जो स्ट्रीट फूड है उसको इन्जॉय करते हैं, उसके बारे में पोस्ट करते हैं. तो उनका स्टाइल जो है वो, उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हैश टैग्स कौन से यूज़ करते हैं, उनके फॉलोअर्स कितने होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली जो क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि दैट वील कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंसर्स हु हैव एटलीस्ट 50,000 फॉलोअर्स, ताकि वो आपके बारे में जब कुछ पोस्ट करते हैं तो आप उससे उनको कुछ फ़ायदा हो. हम 10,000 से कम इन्फ्लुएंसर्स से बात भी नहीं करते, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं. अगर आपने उन्होंने मेंशन अनटिल क्लाइंट का ऑफकोर्स बजट है कि वो ऐसे 10,000 वाले रेंज में बहुत सारे इंस्टाग्राम के साथ काम करना चाहता है, तो इट्स क्लाइंट्स कॉल टू टेक. बट उनका अगर स्कोप ही 5 या 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का एवरी मंथ, इन दैट केस इट डज नॉट मेक सेंस फॉर देम टू वर्क विद एनी वन हु हैज़ लेस देन 50,000 फॉलोअर्स. तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसका अप्रूवल लेना ठीक रहता है. एंड क्लाइंट को भी एश्योरेंस हो जाता है कि हाँ, दैट्स द बेयर मिनिमम दैट दिस गाइज गोइंग टू डिलीवर मी, कि मैं जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैं काम करूँगा उसके एटलीस्ट इतने फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, वो उसका अप्रूवल आप पहले से ले लो. डोमेन अथॉरिटी कितनी होगी. अब डोमेन अथॉरिटी अगर आपको नहीं पता है क्या होती है, तो डोमेन अथॉरिटी इज ये मॉज, जो मॉज का ये टूल आता है. अब पेज रैंक पहले होता था किसी भी साइट की अथॉरिटी, मतलब कितने दम है उस साइट में. अगर आप उस साइट से बैकलिंक लेते हो तो आपको कितना फ़ायदा होगा उस लिंक का, ये आपको यहाँ से पता चलता है. तो बेसिकली मॉस का ये टूल है, जिससे कि एंड आई थिंक इनका प्रोप्राइटरी वो है, जो पैरामीटर है कि इस पे जो नंबर आएगा उस बेस पे आप उस साइट की अथॉरिटी, एंड इसमें कितना दम है, उसके बैकलिंक में कितना जूस आपको मिलेगा, वहाँ से उसको आप कर सकते हो. आपकी कोशिश होती है कि किसी भी डोमेन के साथ आप काम करते हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लिंक जूस वो आपको सेंड करे. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी साइट देखते हैं, फारफेच का जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितनी है देखते हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हो फारफेच की डोमेन अथॉरिटी 89 out of 100 है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है इनको. वो एपिक्यूरियस एंड स्टाइल डॉट कॉम बड़ी बड़ी डोमेन्स लिंक करें, दैट मीन्स इनके पास इंस्टाग्राम बैकलिंक मिल जाता है. मेक्स नो सेंस बिकॉज ये ऑनलाइन स्टोर है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन अगर इनसे बैकलिंक आपको मिल जाता है तो इट विल बी हैव लॉट ऑफ वैल्यू. अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, मुझे कप ऑफ जो की बात करते हैं, शी इज़ अ ग्रेट ब्लॉग, सॉरी
फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्लॉगर, इनकी अगर हम डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं तो कितनी है, इनकी डोमेन अथॉरिटी 66 आउट ऑफ 100 है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा, हो गया होगा कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स, शी इज़ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, इनकी जो 66 आउट ऑफ 100 इन्फ्लुएंस लेवल है, इनका डोमेन स्कोर अगर 0.66 है, इन दैट केस हम जो सेटअप करते हैं, मैं क्लाइंट नॉर्मली बोलता हूँ 0.3 0.4 मिनिमम होना चाहिए, दैट इज़ 30 आउट ऑफ 100 या 40 आउट ऑफ 100 ये स्कोर होना चाहिए, जिससे कि बैकलिंक में थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा। तो जो मिनिमम स्कोर है ये पहले सेटअप करना ज़रूरी होता है कि आप जिन ब्लॉगर्स के साथ काम करोगे उनका वो इस टूल पे जाके ओपन साइट एक्सप्लोरर डॉट कॉम पर जाके उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक करो। अच्छा ओएसई, अगर आप ओपन साइट, अगर आप डोमेन अथॉरिटी चेक करते हो तो दिन में फ्री अकाउंट में सिर्फ 3 ब्लॉग्स का आप चेक कर सकते हो, तो ये आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। आप एक बार में ज़्यादा ब्लॉगर्स की चेक नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा क्लाइंट विल हैव टू परचेज अ प्रीमियम अकाउंट, या फिर थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप सर्च करना बल्क डोमेन अथॉरिटी चेकर, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट इसको भी टेक एन अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अब जब ये सब पैरामीटर्स क्लाइंट को भेजते हैं तो क्लाइंट को पता होता है कि हाँ यू आर रियली सीरियस अबाउट वर्किंग विद गुड ब्लॉगर्स, आप खुद गाइडलाइंस सेट कर रहे हो, तो क्लाइंट को भी थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि हाँ यू विल इंश्योर कि आप क्वालिटी ब्लॉगर्स के साथ काम कर रहे हो। एंड पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहे हो। अगर कोई भी ब्लॉगर है जो कि महीने में एक बार पोस्ट करता है या 6 महीने में एक बार पोस्ट करता है, तो देर इज़ नो पॉइंट वर्किंग विद अ ब्लॉगर हु पोस्ट ओनली वन वंस इन 2 और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। आप ऐसे ब्लॉगर के साथ काम करना चाहते हो जो रेगुलर, जिसकी ऑडियंस इंगेज्ड है, जो कि बार बार पोस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं नॉर्मली किसी भी इन्फ्लुएंसर का जाके उसका ब्लॉग जब चेक करता हूँ, वीडियोज़ अगर यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, देखता हूँ कि दिन में कितनी बार पोस्ट कर रहे हैं, महीने में कितनी बार पोस्ट कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, इन दैट केस आई डोंट कंसिडर देम, आई ड्रॉप देम। रीसेंसी, लास्ट कब पोस्ट किया था, अक्सर क्या होता है, वैसे तो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं बट मे बी अक्सर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेगनेंट है, इफ़ द ब्लॉगर इज प्रेगनेंट, तो देर विल बी अ पैच जब वो ज़्यादा पोस्ट नहीं करेंगे, एंड इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग वेल, अगर उनका उनको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर कोई भी उनके पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, फॉर एनी रीज़न वो अगर उनका ब्लॉग अपडेटेड नहीं, देर इज़ नो पॉइंट। हो सकता है वो आपको हाँ कर दें, वो काम शुरू भी कर दें, बट वो डिलीवर करेंगे कॉन्टेंट को, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर तक इफ़ रिसेंसी नहीं है, अगर रिसेंटली करंटली वो इंगेज नहीं है, तो रिस्पॉन्स रेट भी कम रहेगा। अगर वो रिस्पॉन्स मिल भी जाता है, वो काम भी करते हैं, तो डिलीवर करेंगे, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर दैट वेन यू शॉर्टलिस्ट एन इन्फ्लुएंसर, उनका बिल्कुल रिसेंटली वो लास्ट 1 मंथ में उनके पास प्लेंटी ऑफ सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट होने चाहिए, उनके ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए, वीडियोस होने चाहिए। तो रिसेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पास्ट एंगेजमेंट, क्योंकि जो पुराने ब्लॉग पोस्ट डाले हैं उन्होंने, उसमें कितने कमेंट्स लाइक्स आ रहे हैं, कितने उनके ब्लॉग पे कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो सकता है कि आगे जब आपके क्लाइंट का कुछ पोस्ट करेंगे वो, तो उस पर कितने कमेंट्स आएंगे। एंड इससे बहुत अच्छा तरीका हो जाता है, फॉर एग्जांपल व्लॉगर होता है जो यूट्यूब ब्लॉगर को हम व्लॉगर कहते हैं बाय द वे, तो कोई अगर व्लॉगर आपको बोलता है कि आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू जिसमें कि मैं आपके 4 स्टाइल्स को कवर करूँगा करूँगी, तो उस केस में आप उनकी पुरानी वीडियोस को देखो कि जहाँ पे उन्होंने 3 4 स्टाइल्स की वीडियोस की हैं, उस पर कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, क्या एंगेजमेंट है, तो उससे पता चल जाता है कि आगे जब वो आपके क्लाइंट के लिए करेंगे तो कितना एंगेजमेंट मिल सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन नेगोशिएट विद देम ऑन द प्राइस, द प्रोडक्ट, द ऑफर, आप उनको उस बेस पे, एंड क्लाइंट को भी आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो। क्लाइंट को बोल सकते हो कि इन्होंने ये वाला ऐसा वीडियो पहले किया था 1 साल पहले, आज उस पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं या 800,000 व्यूज़ हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इनके साथ काम करो, आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा, तो वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएगा जो भी आप उनको सेंड करते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसेस टू लुक फॉर, कहाँ पे आपने इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना है। आप इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, ब्लॉग्स पे ढूंढ सकते हो,
एंड फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, स्नैपचैट पे ढूंढ सकते हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। स्नैपचैट पे मैंने अभी तक काम नहीं किया है कि स्नैपचैट पे किस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। दैट्स नॉट वन चैनल दैट आई हैव वर्कड इन, बट आई नो कि इन्फ्लुएंसर्स इस चैनल पे भी काम करते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एक्सप्लोर, आई एम श्योर इट विल गिव यू एन एज अगर आप इसको फिगर आउट करते हो। ट्विटर एंड पिंटरेस्ट पे भी मैंने काम नहीं किया। ट्विटर पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बट फॉर द काइंड ऑफ ऑडियंस एंड बिजनेस आई हैव वर्कड विद, ट्विटर मुझे इतना रेलिवेंट कभी लगा नहीं। पिंटरेस्ट भी मैंने कभी इतना यूज़ किया नहीं। बट कोर चैनल्स आई कैन टेल यू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग एंड फेसबुक, जिनमें मैंने काम किया है, बहुत इफेक्टिव है। स्नैपचैट लाइक आई सेड यू हैव टू फिगर आउट इस पे किस तरह से आप कर सकते हो। सो ये एक सैम्पल मैसेज है जिसमें कि मैंने क्लाइंट से अप्रूवल लिया है। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पे, तो लेट मी पुट दिस। तो हमने एक बार जब आपको ये अप्रूवल के लिए आप भेजते हो ना क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मैंने आपको सैम्पल मैसेज ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दिस वन, इसमें मैंने क्लाइंट को भेजा है कि ये बेयर मिनिमम है कि हम क्लाइंट को जो जो इन्फ्लुएंसर उनमें क्या होना चाहिए। तो ये बेस कैंप पे जो मैसेज का स्नैपशॉट मैंने यहाँ डाल दिया है कि जस्ट वांट टू फॉलो अप विथ यू ऑन द लास्ट डिस्कशन रिगार्डिंग रिवाइजिंग द ऑफर फॉर इन्फ्लुएंसर्स इज आवर न्यू ऑफर इफ इट्स $300 पर मंथ फ्री शॉपिंग। तो इस क्लाइंट, ये क्लाइंट जो है जो इन्फ्लुएंसर्स को 300 डॉलर्स का तो कुछ भी नहीं था उनकी साइट पे, तो $400 पर मंथ की हम फ्री मंथली शॉपिंग ऑफर कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स को और 10% एफिलिएट कमीशन ऑफर कर रहे थे। तो उस वाले ऑफर के लिए जो मैंने उनसे क्राइटेरिया पे अप्रूवल लिया है कि जो जिन ब्लॉगर्स के साथ, जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम काम करेंगे, उनको हाई एंड फैशन में होना चाहिए, अफोर्डेबल रेंज में नहीं होना चाहिए। तो चीप क्लोथिंग वाले इन्फ्लुएंसर्स जो कि लोगों को बताते हैं कि किस तरह से चीप कपड़े खरीदने हैं, तो वो वाला ऑडियंस नहीं था। तो वी वांटेड टू वर्क विद लग्जरी हाई इन्फ्लुएंसर्स, वो होना चाहिए। उनके कम से कम इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, उनके इंगेजमेंट जो है कमेंट्स होने चाहिए काफ़ी सारे, जेन्युइन होना चाहिए उनको, एक्टिवली उनको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना होना चाहिए, उनकी डोमेन अथॉरिटी 40 out of 100 होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड शुड बी वार्म इन द ईमेल कम्युनिकेशन, दैट इज़ दे शुड बी कीन एंड कीन अबाउट वर्किंग विद यू। तो इनके पैरामीटर्स और भी थे, लेकिन यहाँ मैंने थोड़े से बेसिक पैरामीटर्स जो हमें उनसे डिस्कशन के बेस पे चेंजेस थे वो मैंने यहाँ डाल दी, बेस्ड ऑन जो मेरी इनसे जो कॉल हुई थी जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करना जिनके पीछे हमें पढ़ना पड़े कि यार हमारे साथ काम कर लो। वी ओनली वॉन्टेड टू वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स जो कि हमें पसंद करते हैं, जो ब्रांड को पसंद करते हैं, ताकि वो उस इंथुजियाज्म के साथ कंटेंट क्रिएट करें। तो दैट वाज वन थिंग दैट वी हैड सीन कि जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमें फॉलोअप करना पड़ता है वो उनके डिफॉल्टर होने के चांसेस बढ़ गए थे कि उनको कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत बार फॉलोअप करना पड़ रहा था उनके साथ। तो हमने सोचा कि वाई टू डू दैट। तो ये क्राइटेरिया बेस्ड है मेरे अर्लियर डिस्कशन पे। आप क्राइटेरिया पे इन सारे पैरामीटर्स को डालोगे, एज, जेंडर, लोकेशन सब डालोगे, उसकी क्लाइंट से अप्रूवल लोगे, ताकि क्लाइंट कभी ये ना बोले कि आपने इसको क्यों शॉर्टलिस्ट कर लिया। बिकॉज ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि आपने इसको क्यों किया, ये तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि दैट यू आर ऑन द सेम पेज विद द क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स एक्सेप्टेबल, व्हाट्स नॉट एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, इन जो ये वाले क्लाइंट्स हैं इनके साथ काम करते करते दे सेट कि वो बिकिनी मॉडल्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो दैट वॉज वन थिंग दैट वी हैव टू नो कि मॉडल्स के साथ काम कर सकते हैं, बट कहीं पर भी न्यूडिटी होती है, गड़बड़ कंटेंट होता है, तो वहाँ पे दैट वाज अनएक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट कि वो किसी भी ऐसे मॉडल के साथ खुद को लिंक अप नहीं करना चाहते ब्रांड को। तो दैट वाज वन क्राइटेरिया दैट वी हैड टू बी ऑन द सेम पेज विद द क्लाइंट कि ये क्लाइंट को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि हम ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट भी करें। तो आपने क्लाइंट से क्राइटेरिया का अप्रूवल पहले ही ले लेना है रिसर्च करने से पहले। तो अब क्राइटेरिया का अप्रूवल आ गया, क्लाइंट ने कहा ठीक है, एज, जेंडर सब चीज़ें बोल दी, ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट वी वांट टू वर्क विद। अब रिसर्च स्टार्ट करना है, आपने इनको ढूंढना कैसे है। तो सर्च करने के लिए आप उनको ऑटोमेटेड सर्च या मैनुअल सर्च, ये दो तरीके आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऑटोमेटेड सर्च यूज़ करते हो तो निंजा आउटरीच एक चैनल है जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए ही बना है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म।
आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. मैंने इनका ट्रायल अकाउंट यूज़ किया था. प्राइसिंग इनकी आई थिंक $99 थी उस समय. आई डोंट नो आप कितना चार्ज कर रहे हैं. एनीवे तो इसको आप यूज़ करके आप अपना पूरा कैंपेन क्रिएट कर सकते हो. आप रिसर्च भी कर सकते हो, ईमेल कम्युनिकेशन सारा इस पर डाल सकते हो. तो दैट इज़ वन टूल दैट यू कैन यूज़. बट हमने इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली काम उतना ही पड़ता था मुझे. इनके बस फॉलो अप थोड़ा ऑटोमेट हो जाता था बट काम मेरे लिए इतना कम नहीं हो पा रहा था. एंड मोर ओवर द क्लाइंट डिड नॉट वॉन्टेड टू पे एक्स्ट्रा. एंड तो मैंने इसका मैनुअल रिसर्च ही किया. एंड मैं सारे क्लाइंट्स का मैनुअल रिसर्च ही कर रहा हूँ करंटली. दी अदर मेथड यू कैन यूज़ इज़ दी मैनुअल रिसर्च मेथड, विच इज़ ऑफ कोर्स द मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू. मैंने इसको ब्रीफली कवर किया था वीक वन मॉड्यूल में, जहाँ मैंने आपको बताया था टारगेट क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है. तो हमने साइट कोलन क्वेरीज यूज़ की थी. तो बेसिकली हम यहाँ पे भी वही करेंगे. साइट कोलन सर्च क्वेरी यूज़ करके आप इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को रिसर्च करोगे. द प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन सर्च और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक. एंड क्वेरी आपने ये वाली यूज़ करनी है, साइट वेबसाइट नेम, कीवर्ड नेम, इन यूआरएल कीवर्ड. इससे आप इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को और फेसबुक को, किसी भी साइट के पब्लिक रिकॉर्ड्स को आप चेक करके वहाँ से आप ईमेल एड्रेसेस एंड रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के अपनी एक्सेल शीट में डाल सकते हो. तो प्लेसेस यू कैन सर्च विद गूगल साइट क्वेरी. मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. इनफैक्ट हम बात करते हैं, अगर हमने ढूंढना है इंस्टाग्राम पे साइट instagram.com, यहाँ पे मैंने फैशन इन्फ्लुएंसर NYC, परफेक्ट. तो instagram.com पे जिनका फैशन इन्फ्लुएंसर NYC लिखा हो, जिनके पेज पे एंड उस पे उनका जीमेल भी पड़ा हो, यानी इनका ईमेल एड्रेस पब्लिक हो, तो ये सारी साइट्स, ये सारे अकाउंट्स आ गए. अगर मैं इसकी जगह डालता हूँ, आप किसी फूड बिजनेस का काम कर रहे हो, तो आप अगर आप डालते हो यहाँ पे फूड ब्लॉगर, तो आपको फूड ब्लॉगर्स आ जाएंगे जो कि ब्लॉगर डालते हैं, NYC डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये आ जाएंगे. अगर हम यहाँ डालते हैं फूड यूट्यूबर एंड जीमेल, तो आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो यूट्यूब पे फूड चैनल जिनका है. तो यहाँ पे आप देखो थाईलैंड में इन्फ्लुएंसर हैं, इनका जीमेल ये पड़ा हुआ है. इजी, मतलब अगर थाईलैंड आपका क्लाइंट, यू हैव टू सर्च द लोकेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स टारगेट डेमोग्राफिक्स. तो बेस्ड ऑन के फॉलोअर्स ये क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं, क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है. बट आप ऐसे ब्लॉगर्स को ढूंढ सकते हो जिनके जी मेल्स जो हैं पब्लिक हैं. ठीक है, सिंपल क्वेरी सर्च करके आप इसको यूज़ करके आप इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हो, आप इसको यूज़ करके यूट्यूब सर्च कर सकते हो. फीमेल ट्रैवल ब्लॉगर जिसका जी मेल रिकॉर्ड पड़ा हो, एंड इन यूआरएल कर देते हैं हम. इन यूआरएल क्या होता है कि इसके यूआरएल में अबाउट हो. मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या मतलब होता है. वो एक्चुअली मैंने यहाँ देखते हैं एम शेल्डन, तो इनका अबाउट पेज पे आ गया. अब वैसे कितने इन्फ्लुएंसर देखें, कितने इन्फ्लुएंशियल है. एम शेल्डन हैज़ 35,000 फॉलोअर्स एंड के अबाउट पेज पे जो वर्ड्स हैं उसमें हमने जो वर्ड डाला था ट्रैवल ब्लॉगर, तो ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, एंड यहाँ ब्लॉगर भी आ रहा है, एंड यहाँ पे इनका जी मेल भी पड़ा है. एंड यहाँ पे इन यू आर एल ढूंढने से गूगल ने कहा जिसके पेज के यू आर एल में अबाउट आता हो, साइट youtube.com, ट्रैवल ब्लॉगर जिसके जिस पेज पे लिखा हो, एंड इन यू आर एल जिसके यू आर एल में अबाउट आता हो, यानी अबाउट पेज पे ये पड़ा हो. तो साइट कोलन क्वेरी यूज़ करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हो, यहाँ तक कि आप उसको ट्विटर को भी कर सकते हो. साइट
twitter.com. तो अब यहाँ पे अगर डालते हो आप फूड ब्लॉगर, तो आपको जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनके अकाउंट्स आने शुरू हो जाएंगे. अगर मैं डालता हूँ NYC, तो फूड ब्लॉगर्स के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगे. तो आप इनको यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो बेसिकली साइट कोलन क्वेरी को यूज़ करके आप कहीं से भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनके जीमेल्स पब्लिक हैं, ऐसे ब्लॉगर्स व्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स, उनको ढूंढ सकते हो. और रिलेटेड रिजल्ट्स भी आते हैं, आप वहाँ से उनके रिजल्ट्स निकाल सकते हो. सेम थिंग गोज फॉर देम. अगर मैं इनके साथ इफ़ आई फाइंड दिस इन्फ्लुएंसर रेलिवेंट, तो इनके अबाउट पेज में रिलेटेड चैनल्स आ रहे हैं, फीचर चैनल्स आ रहे हैं, इससे भी मुझे और इन्फ्लुएंसर्स मिल सकते हैं जो कि सेम डेमोग्राफिक्स को कैटर करते हैं. आप उनका जीमेल निकाल के उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड आपको इनके ईमेल एड्रेस निकालने के लिए अक्सर ये कैप्चा भरनी पड़ती है. इट्स प्रोसेस. एंड जस्ट रिमेंबर यू डूइंग नथिंग. एंड देखो, आप जीमेल के बजाय आप याहू भी डाल सकते हो. सपोज मैंने जीमेल डाला था, आप याहू भी डाल सकते हो, हॉटमेल भी डाल सकते हो. तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स एंड कंटिन्यू द ट्रेनिंग. आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा साइट कोलन क्वेरी के बारे में. आप आई थिंक मैं यहाँ पे ट्विटर भी ऐड कर देता हूँ. आप साइट कोलन क्वेरी करके इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक ट्विटर को रिसर्च कर सकते हो. और अब क्या सर्च कर सकते हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप उनका ईमेल सर्च कर सकते हो. ईमेल तो आपने डालना है कि जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक या yahoo.com. याहू अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स उनका ईमेल एड्रेस उनके बायो में पड़ा हुआ है, तो पब्लिक कर रखा है. बिकॉज आपको यू डोंट वॉन्ट टू फर्स्ट प्राइवेट मैसेज दें, मैं उससे पूछूँ कि आपकी ईमेल क्या है. तो यू वॉन्ट पीपल जो कि बिजनेस इंक्वायरी सॉलिसिट कर रहे हो. जो बिजनेस इंक्वायरी सॉलिसिट करते हैं, ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर अपना ईमेल पब्लिक करते हैं, तो यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देम. तो जीमेल, हॉटमेल जिन्होंने बायो में डाल रखा हो, टाइटल में उन्होंने ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, राइटर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, यूट्यूबर, स्टाइलिस्ट, मदर, फादर, राइटर, ऐसे वर्ड्स डाल रखे हो. लोकेशन के साथ कर सकते हो आप NYC, टेक्सस, TX भी डाल सकते हो, टेक्सस भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या डाला है. कैलिफोर्निया भी डाल सकते हो, CA भी डाल सकते हो, लंदन, UK, न्यू दिल्ली. लोकेशंस के साथ परम्यूटेशन बना के सर्च करते हो, फूड ब्लॉगर न्यू दिल्ली, फूड व्लॉगर न्यूयॉर्क, फूड व्लॉगर टेक्सस, लंदन, जो भी हैं आप इनको कॉम्बिनेशंस का ट्राई करोगे. और जीमेल डालते हो तो बेसिकली कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी मैं यहाँ डाल देता हूँ आपके लिए. वो होगा ईमेल प्लस टाइटल प्लस प्लस लोकेशन. इसके साथ आप जब जीमेल की साइट पर हिट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि ऐसे मदर्स, मदर ब्लॉगर हु आर लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी इन योर अबाउट करते हो, तो उनके अबाउट पेज पर जहाँ लिखा होगा. तो आई होप यू गेट द आइडिया. टू मेक इट सिंपल फॉर यू, मैंने आगे सर्च क्वेरीज आपके लिए आपसे शेयर करूँगा, आप उनको यूज़ करना. You'll get the exact idea कि साइट कोलन क्वेरी कैसे यूज़ करनी है. The other way that you can use is, अगर अपने ब्लॉगर्स को ढूंढना है, वो है अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पर जाके अगर आप शॉपिंग हॉल चेक करते हो, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ब्रांड्स के साथ काम करते हैं एंड शॉपिंग हॉल जैसा वर्ड यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए जो उन्होंने खरीदे हैं. तो आप शॉपिंग हॉल वालों को कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे कहते हो कि आप हमारे क्लाइंट के लिए शॉपिंग हॉल क्रिएट करो, तो they'll be interested. तो इन relevant keywords को ढूंढना है अपने client के business के according. अगर आपने food bloggers के साथ काम करना है तो आप food वाले words use करोगे, recipes. अगर आपने mobile company के साथ काम कर रहे हो या कि digital product जो sell कर रहे हैं उनके साथ काम कर रहे हो, तो you might have to
रिव्यू को आप कर सकते हो, मोबाइल रिव्यू आप सर्च कर सकते हो कि जो मोबाइल रिव्यू किसी मोबाइल फ़ोन को रिव्यू कर रहा है वो शायद आपके क्लाइंट की वॉच को भी रिव्यू करना चाहेगा। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को मैनुअली सर्च करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप ऐसे ब्लॉगर्स को इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हो। तो आप हैशटैग भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हैशटैग में आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट के, सॉरी, जो अपने कॉम्पिटिटर्स, क्लाइंट के कॉम्पिटिटर के हैशटैग। फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स का, मैं शॉप बॉप हैशटैग यूज़ करता हूँ। शॉप बॉप रिटेलर है US में, तो एंड शॉप बॉप वर्क्स विद लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो एनी बडी हु यूज़ अ हैशटैग शॉप बॉप, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो हैशटैग शॉप बॉप जो इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करके मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकता हूँ जिसके साथ शॉप बॉप काम करे। तो अगर वो मेरे क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने पेज पे कहता हूँ दैट आई सी दैट यू हैव वर्क विद शॉप बॉप, वी वुड लव टू वर्क विद यू इन अ वेरी सिमिलर कैपेसिटी। हाउ डू यू वर्क विद अ रिटेलर लाइक अस, आपका क्या ऑफर है, तो मैं उनसे पूछता हूँ। तो यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर या कॉम्पिटिटर्स नेम। तो सर्चिंग इन्फ्लुएंसर्स टेक टाइम। अगर आप 2-3 घंटे लगाते हो, आप आई थिंक 1-2 घंटा रिसर्च करके यू कैन फाइंड 20-30 इन्फ्लुएंसर्स। साइट कोलन क्वेरी करके आप अपने डॉक्यूमेंट कर सकते हो। हल्की हल्की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू एवरी डे। आप पहले रिसर्च करना सीख लो अच्छी तरह से, एंड देर विल बी अ टाइम जब आप इसको खुद नहीं करना चाहोगे, यू वुड वॉन्ट टू डेलीगेट इट टू एन इंटर्न। आप किसी को अपवर्क पे हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए सारी डेटा माइनिंग करेगा, लेकिन इनिशियली बहुत ज़रूरी है 1-2 महीने आप खुद करो, दैट सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ द प्रोसेस कि कैसे इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, कैसे उनको ढूंढना है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। गाइडलाइंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी 1-2 महीने आप इसे खुद करो। इमिजिएटली शुरू शुरू में आपने नहीं करना, बिकॉज यू विल लूज टच। अगर आप इनको खुद नहीं ढूंढते, खुद कॉन्टैक्ट नहीं करते, इनका कॉन्टेंट नहीं देखते आप, तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आप सीधे डेलीगेट कर देते हो। तो जो दूसरा बंदा आपके लिए रिसर्च करेगा, वो गलत ब्लॉगर्स को रिसर्च करके देगा, वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा, आप भी गलती स्पॉट नहीं कर पाओगे। वो गलती स्पॉट कौन करेगा? क्लाइंट। एंड इट कैन रियली हर्ट यू। तो मेक श्योर आप पहले खुद करो, उसके बाद जब प्रोसेस बन जाए उसके बाद हायर समवन। करेंटली फॉर एग्जाम्पल रिसर्च पार्ट मैंने डेलीगेट कर रखा है, मैं खुद रिसर्च नहीं करता हूँ टू सेव टाइम, तो इनिशियली, लेकिन आप सो खुद ही करना। मैंने पहले बताया था आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग मॉड्यूल में कि आपने किस तरह से फेक इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने हैं, उनके कमेंट्स लाइक्स देख के फेक इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करना है। सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने के लिए आप गूगल ड्राइव शीट पे कर सकते हो। गूगल ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाके एक नई शीट क्रिएट करो, वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स की रिसर्च डालो। एंड वॉट यू कैन डू इज एंड जस्ट कीप इट शेयर विद द क्लाइंट। आई कीप माई डॉक्यूमेंट शेयर विद द क्लाइंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एंड द क्लाइंट कैन चेक कैंपेन प्रोग्रेस एनी टाइम। वन अ क्लाइंट आपसे पूछता रहेगा व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्स द अपडेट। जैसे ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपने, उनको जाके पहले ही बोल देना है कि मैंने शीट क्रिएट कर दी है, मैं इसमें रिसर्च डालता रहूँगा, जो रिस्पॉन्स आएंगे वो डालता रहूँगा, जो करंट स्टेटस है मेरे कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एवरीथिंग आई पोस्ट इन दिस शीट। अगर आपको चेक करना है आप कभी भी इसको जाके चेक कर सकते हो। और ये मंथ एंड डिलीवरेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको मंथ एंड पे जाके एक नई रिपोर्ट क्रिएट नहीं करनी। एंड जब आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस रहता है, क्लाइंट आप पे विश्वास करता है। एंड 1-2 महीने के बाद क्लाइंट भी कितना चेक करता है, 1-2 महीने चेक करता है, उसके बाद जब लगता है कि हाँ यू आर डूइंग गुड जॉब, तो क्लाइंट भी जाके इसको बार बार चेक नहीं करता है। क्लाइंट बस देखता है कि हाँ भाई आपने जो मंथली जो टारगेट था कि 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने एंगेजमेंट क्रिएट करी है नहीं करी है, लेकिन शुरू में ही आप अपना उनसे एक्सेल शीट जो है शेयर कर दो। तो ये एक फॉर्मेट मैंने सैम्पल आपके लिए क्रिएट किया है, एंड ये पब्लिक है। आप इसकी जब ट्रेनिंग देखोगे, डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ दिस स्लाइड, एंड इस पर जब क्लिक करोगे इट विल ओपन दिस सैम्पल शीट। तो ये डिलीवरेबल ये फॉर्मेट है जो कि आप इसको थोड़ा ट्वीक करके अपने लिए यूज़ कर सकते हो। उसे पैरामीटर्स जो होते हैं वो डाल रखे हैं, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल बेंचमार्क्स हैं कि किस तरह के ब्लॉगर्स के साथ काम करना है, वो मैंने सैम्पल डाल रखा है। एंड सिमिलर फॉर्मेट में अपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है। सर्च क्वेरीज जो मैंने आपको दिखाई थी वो सारी सर्च क्वेरीज मैंने यहाँ डाल रखी हैं, आप इन सब पे क्लिक करके देख सकते हो।
या इंस्पिरेशन आप ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ सर्च करने पे आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट वर्टिकल दैट यू आर वर्किंग इन, आपके क्लाइंट का क्या है. एंड रिसर्च में कि जो जो आप रिसर्च कर रहे हो, आपने रिसर्च करा उसका नाम, उनका ईमेल, बैच क्यों डालना है मैं आपको भी आगे बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, उनकी वेबसाइट क्या है. तो रिसर्च पर नॉर्मली मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ, क्योंकि नेमली अब इसको आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालने का फ़ायदा नहीं है. जो आपको मेनली चीज़ें चाहिए होती हैं वो है नेम, ईमेल एंड बैच, एंड आई थिंक जो उनका कोर अकाउंट है उस पर कितने फॉलोअर्स हैं, इतना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बाकी सारा जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि इसका सब सारी इन्फॉर्मेशन आप डालना शुरू कर दोगे, हो सकता है इन्फ्लुएंसर आपको रिप्लाई भी ना करे. तो देर इज़ नो पॉइंट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फ्लुएंसर हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम एंड सी दैट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन ऑफर. अगर वो ऑफर में इंटरेस्टेड हैं तब आप आगे की और चीज़ें डालते हो कि उनका ऑफर, फाइनल ऑफर क्या है, एंड ऑर्डर नंबर, और उनका डोमेन अथॉरिटी, एलेक्सा वगैरह वगैरह, सब चीज़ें तब रेलिवेंट होती है कि जब पता है कि हाँ दिस गाइस इज यू आर वर्किंग विद दिस इन्फ्लुएंसर, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है. रिसर्च टाइम पे आपको सिर्फ उनका नाम, उनका ईमेल पता होना चाहिए कि आपने उनको, ताकि कॉन्टैक्ट करो, बाकी बातें बाद में. तो ये फॉर्मेट एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए. हाँ, मैंने एक आउटरीच ईमेल फॉर्मेट भी डाल दिया आपके लिए, जिसको कि आप यूज़ करके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ, एंड उसको यहाँ पे रिसर्च टैब में मैं डालता रहता हूँ कि हॉली, हॉली का ईमेल ये है एंड इंस्टाग्राम अकाउंट ये है. उसको यहाँ अपडेट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करते हो, मेल चिप में डालते हो और एक बल्क ईमेल भेज देते हो. दैट्स हाउ आई डू इट.